आज तारीख है 30 और सुबह के 8:30 बज रहे हैं। अभी समर क्लासेस चल रही है, तो अभी मैं पहले स्कूल जाऊंगा। थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, थोड़ी सी तबीयत खराब है, और स्कूल से आने के बाद बैंक जाना है। बैंक में कुछ लोन वगैरह की बातचीत हो रही है मेरी। अभी बरसात से पहले अपना घर रिपेयर कराना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद 1 बजे पिंकी का एग्ज़ाम है, उसको एग्ज़ाम दिलाने लेके जाना है कुतुबा। और मैं एक सब्सक्राइबर है फंक यामहा चैरी, वो भी चेन्नई से आ रहा है मुझसे मिलने के लिए, लगभग 1600 किलोमीटर की बाइक राइड करके। उनको भी रिसीव करने के लिए जाना है। वो कल ही रात को पहुंचने वाले थे, लेकिन मैंने उनको बोला कि आप झारसुगुड़ा या संबलपुर में रुक जाइए, रात को नाइट में राइडिंग करना उचित नहीं है। तो अभी वो संबलपुर में रुके हुए हैं, शायद निकल गए होंगे, अभी तक उनका मैसेज नहीं आया। काफ़ी सारे काम है, घर का लाइट भी थोड़ा सा ख़राब हो गया, इलेक्ट्रिशियन को लेके आना है, लाइट भी बनाना है, तो देखते हैं आज क्या क्या हो पाता है। और ये सिंपल सा मेरा डेली लाइफ का एक रूटीन है, मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। अभी सबसे पहले चलते हैं स्कूल। अभी 3-4 दिन अमर कंटक ट्रिप में था, जिसकी वजह से बहुत सारे कमेंट्स के रिप्लाई करना पेंडिंग है। और बीच में मेरा बर्थडे भी था, तो बहुत सारे बर्थडे विशेष आए हैं। और अमर कंटक ट्रिप की जो फुटेज हैं, काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, लगभग 100 GB की वीडियोज़ हैं, फाइल्स हैं, उन सबको कंपाइल करके एडिट करना भी है। उसके लिए कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी मेरे को। फाइल्स को पहले मैं हार्ड डिस्क में डाल के, हार्ड डिस्क से पार्ट पार्ट में मैं मेरे मोबाइल में डालूँगा, और फिर मोबाइल में एडिट करने के बाद में उनको अपलोड भी करना है। तो काफ़ी सारा काम है, काफ़ी कुछ करना है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि इतने सारे प्यारे प्यारे बर्थडे विशेस आए हैं, मैं उनको अभी तक रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ। तो मैं देखता हूँ कब तक कर पाता हूँ। उम्मीद है कि इस हफ्ते में, एक हफ्ते में मैं वीडियोस अपलोड कर दूंगा अमरकंटक ट्रिप वाली। और उससे पहले सोच रहा हूँ एक सिंपल सा इन्फॉर्मेशन वीडियो बना के पोस्ट कर दूं। तो अगर आज मेरे को समय मिलता है तो एक इन्फॉर्मेशन वीडियो भी शूट करके, एडिट करके पोस्ट कर दूंगा। आज मैं प्लेटिना लेके निकला हूँ, क्योंकि जिक्सर में पेट्रोल नहीं है और उसके चेन से भी आवाज़ आ रही है। अब 30,000 किलोमीटर चल गया, चेन स्प्रोकेट चेंज कराना है गाड़ी का। थोड़ी देर में ही मैं स्कूल पहुंचने वाला हूं। स्कूल पहुंचने से पहले गोप्रो अपना हेलमेट से निकाल के बैग में डाल दूंगा, क्योंकि सब पूछेंगे क्या है, ये है वो है। और जब मैं स्कूल पे होता हूं तो अपना पूरा ध्यान काम में लगाता हूँ, बच्चों के साथ में लगाता हूँ। और स्कूल में मैं वीडियोस वगैरह नहीं बनाता, क्योंकि सरकार मुझे इतना सारा पैसा देती है, सैलरी देती है, और उन बच्चों का भविष्य मेरे हाथ में है। स्कूल का अभी कुछ भी नहीं दिखा पाऊँगा आप लोगों को, तो मिलते हैं दोस्तों स्कूल के बाद। अभी मैं स्कूल से लौट रहा हूँ, लगभग 11 बज चुका है। चैरी भाई निकल चुके हैं संबलपुर से, झारसुगुड़ा पहुंचने वाले हैं। उनको पहुंचने में 1-2 घंटा लगेगा। और अभी लगभग 12 बजे मेरे को पिंकी को लेके जाना है कोतबा, और बैंक भी जाना है। तो उससे पहले लगभग मेरे पास 1.5 घंटे का समय है। मैं सोच रहा हूँ एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन वीडियो बना के पोस्ट कर दूँ यूट्यूब पर, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं कोई वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया हूँ अमरकंटक ट्रिप वगैरह के कारण। तो एक छोटा सा वीडियो बना के पोस्ट कर देता हूँ अभी घर जाके। गोलू आने वाले हैं बेटा, अभी वो नहीं पहुंचे हैं, तो अभी एक वीडियो बना ले गोलू। अभी 12 बज रहा है, मैं चेरी का वेट कर रहा हूँ यहाँ पे, वो आएगा तो इसी रोड में ही आएगा। खाना बनवा के रखा हूँ मैं घर में। अब इसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है, मैसेज भी किया था, पहुँचा नहीं है अभी तक, व्हाट्सएप में रीड भी नहीं किया है वो। और अभी 12 बज चुका है, मेरे को 12:30 बजे पिंकी को लेके जाना है एग्ज़ाम दिलवाने के लिए, बैंक भी जाना है। अगर वो आ जाता, मिल लेता, तो अभी घर में खाना वाना खा के हम दोनों ही चलते पिंकी को लेके। लगभग 20 मिनट हो गए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अभी तक वो मैसेज नहीं देखा है मेरा,
तो पता नहीं ये कासावेल पहुंचा या अभी तक नहीं पहुंचा है या फिर रास्ता भटक गया। और अभी 12:30 भी बजने वाला है, मेरे को कोतबा भी लेके जाना है पिंकी को एग्ज़ाम दिलवाने के लिए। क्या करूं क्या करूं क्या करूं, 1 बज रहा है, 1:30 बजे से पिंकी का एग्ज़ाम है, उसको छोड़ने के लिए जा रहा हूँ कोतबा। और चेरी से तो कॉन्टेक्ट ही नहीं हो पा रहा है, फ़ोन भी नहीं उठा रहा है वो, मतलब लग नहीं रहा है फ़ोन, मैसेज का भी रिप्लाई नहीं कर रहा है। तो पिंकी को पहले कोतबा छोड़ देता हूँ और उसके फ़ोन का वेट करना पड़ेगा, देखता हूँ। या फिर मैं कोतबा से वापस आ जाऊँगा, कांसाबेल लगभग 30 किलोमीटर है, या फिर चेरी को ही बुला लूँगा। पिंकी को कोतबा एग्ज़ाम हॉल में छोड़ के अभी जा रहा हूँ मैं चेरी से मिलने के लिए कांसाबेल में। कांसाबेल पहुँच चुका है वो, वहाँ तपस्या लॉज में मैं फ़ोन भी कर दिया था रूम के लिए, अभी वो रूम ले लिया और वहाँ पे वेट कर रहा है मेरा। और रास्ते में बागबहार में जितेन को भी ले चलूँगा, बागबहार में उसके घर से बाहर मिलना है हम लोग को उस, क्योंकि वो घर में बिना बताया जाएगा। हे भगवान, खांसी से परेशान हो गया मैं। ये हम लोग अभी बागबहार पहुँच चुके हैं, देखते हैं जीतन कहाँ पे है, घर में नहीं बताया है। अभी 2:20 हुआ है, हम लोग जा रहे हैं कांसाबेल, अभी 15 किलोमीटर बचा हुआ है। कांसाबेल पहुंच चुके हैं, अभी 3:45 है और काफ़ी देर से वेट कर रहा है चेरी। मैं इतना वेट करवाना नहीं चाहता था लेकिन क्या करूं, होटल में चलते हैं तपस्या लॉज में, देखते हैं क्या कर रहा है चेरी। ये है चेरी की गाड़ी, यूट्यूब फंक यामा, 1600 किलोमीटर जर्नी करके आए हैं ये। चेरी, और क्या हाल चाल? ये जितेंद्र, प्रॉब्लम ये हो रही है कि मुझे हिंदी आती है, चेरी को तमिल आती है और इंग्लिश आती है, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, तमिल भी नहीं आती है। बड़ी मुश्किल से बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन बात हो जा रही है, हम लोग समझ जा रहे हैं, एक दूसरे की बात को समझ जा रहे हैं। जीतेन एबजेड, चेरी की एबजेड का टेस्ट राइड करेंगे अभी हम लोग दोनों, मैं और चेरी चलते हैं प्लेटिना में। ले अब तू चला प्लेटिना। इसका डिमोशन हो गया है एफजेड 25 से सीधे प्लेटिना में। कांसाबेल में कांसाबेल का बाजार घुमा रहे हैं चेरी भाई को, फंक यामाहा को। ये है चेरी भाई प्लेटिना चलाते हुए, मस्त है, मजा आ रहा है, पिकअप मस्त है। अच्छा, अभी जीतन फिर से एफजेड 25 चला रहा है और आज ये बेटा हेलमेट नहीं पहन पाया क्योंकि घर में बिना बताया है इसको, अगर हेलमेट निकालता तो घर में पूछते कहाँ जा रहा है और ये जा नहीं पाता, ये हड़बड़ी में आज हेलमेट नहीं पहना है। और कैसा लग रहा है जीतन बाइक चलाने में? मस्त चल रहा है। हम लोग बागबहार पहुँच चुके हैं और जीतन को अभी इधर कहीं चौक में ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर जीतन मेरे साथ घर तक जाएगा तो वो लोग समझ जाएंगे कि ये कहीं घूमने गया था करके, तो दोस्ती यारी में ये सब करना पड़ता है। यहाँ पर जीतन को छोड़ देना है, इसके बाद वो घर जाएगा पैदल और हम लोग थोड़ी देर इधर उधर से बाइक घुमा के जाएंगे ताकि उनको लगे कि ये लोग एक साथ वापस नहीं आए हैं, अलग अलग वापस आए हैं। ठीक है तू जा, मैं आता हूँ। तो चेरी, तमिल नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती और तेरे को हिंदी नहीं आती, हिंदी नहीं आती, तो कैसा लग रहा है हम लोग की बातचीत कैसे हो पा रही है, मेरी बात समझ पा रहा है? Somehow we can understand, we can communicate in that. We can communicate. हाँ, क्योंकि दिल से निकली बात दिल तक जाती है, तो वो दिल मिलना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और लैंग्वेज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं, क्या कह रहा है? और सही बात, सही बात, क्या बात है, ये हिंदी भी सीख जा रहा है यहाँ के। और चेरी का एक बहुत अच्छा यूट्यूब पे चैनल भी है, फंक यामाहा, और इसने मात्र 3 महीने में 1200 सब्सक्राइबर गेन किए हैं, तो आप एक बार इसका चैनल भी विजिट करिए, आपको बहुत अच्छे इसके वीडियोस मिलेंगे। कुछ कहना है अपने चैनल के बारे में? आई कांट अंडरस्टैंड दिस।
यूट्यूब चैनल हाँ प्रमोशन शाउट आउट ओके ओके माई यूट्यूब चैनल इज देयर इट्स नेम इज फंक यमहा यू कैन सर्च देयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल यू कैन वॉच वीडियोज लाइक ट्रैवलिंग मोटर ब्लॉगिंग एवरीथिंग यू कैन वॉच इन दैट एंड आई एम नॉट वेरी गुड इन हिंदी सो आई नो लिटिल बिट दैट्स इट तो चैरी भाई का फंक यमहा चैनल जरूर सर्च करें सब्सक्राइब करें सपोर्ट करें और पिंकी का एग्जाम हो गया है वो कोतबा में खड़ी है वेट कर रही है बस स्टैंड में तो हम लोग अभी पिंकी को लेने जा रहे हैं कोतबा चलें क्या बात है पिकअप तो जबरदस्त है वाह शानदार पिकअप मजा आ गया बस और ज़्यादा नहीं चलाऊंगा स्पीड काफ़ी आगे निकल आया हूँ चेरी का वेट कर लेता हूँ मस्त है पिकअप मस्त है अभी हम लोग कोतबा पहुँच चुके हैं 4:45 बज गए पिंकी को वो काफ़ी वेट करवा दिया मैं 4 बजे से एग्ज़ाम दे के वो वेट कर रही है बस स्टैंड में हूँ बोली थी बस स्टैंड तो यही है देखते हैं कहाँ है ये है पिंकी ये चेरी ये पिंकी बैठो और ये भैया का बाइक ये भैया का बाइक कैसा बना पेपर गोलू बोलता है चाचू के साथ बैठूंगा उसके साथ बैठा है व्लॉगिंग कर रहा हूँ गधी देखो गधी बोला वीडियो में डालूंगा गोलू रास्ता बता ये ज्योति घर जा रही है अभी बाग बाहर से और ये चेरी गोलू के साथ गोलू बोला कि चाचू के साथ बैठूंगा तो अभी चेरी के साथ में गोलू घर जा रहे हैं हम लोग ये हम लोग पहुंच गए घर यही है घर चेरी कैसा है चल चल शॉप नहीं है क्या करने के लिए हाँ कुछ नहीं लगता चलना मिठाई विठाई के लिए कुछ दुकान नहीं है क्या बोल रहा है चल इतनी दूर से 1600 किलोमीटर राइड करके मुझसे मिलने और मेरा घर देखने के लिए आया हुआ था तो आखिरकार मंजिल पे पहुंच के कैसा लग रहा है चेरी पहुंच के कैसा लग रहा है आफ्टर रीचिंग योर डेस्टिनेशन हाउ आर यू फीलिंग आई एम फीलिंग रियली वेरी हैप्पी दैट आई वाज एक्साइटेड व्हेन आई वाज राइडिंग द बाइक रियली आई एम वेरी क्यूरियस टू मीट हिम एंड आफ्टर मीटिंग हिम आई वाज रियली वेरी वेरी हैप्पी एंड माय टायर्डनेस और एवरीथिंग इज गॉन नाउ आई एम फीलिंग सो रिलैक्स्ड अभी चेरी भाई से काफ़ी सारी बातें हुई हमारी अभी लगभग रात के 9:30 बज चुके हैं कल सुबह चेरी वापस जाएगा घर चेन्नई लगभग 1500-1600 किलोमीटर इस रूट में कितना पड़ेगा तेरे को रायपुर होके जो रायपुर 1900 किलोमीटर की राइड अभी इसको करनी है कल ये सीधे नागपुर में स्टे करेगा लगभग 700 किलोमीटर की राइड इसको कल सुबह करनी है तो इसको मैं कह रहा हूँ जल्दी सो जा और सुबह जल्दी उठना है तो कल सुबह चेरी जल्दी से निकलेगा अर्ली मॉर्निंग निकलेगा अंधेरा रहेगा तो हम लोग व्लॉग नहीं कर पाएंगे आज का व्लॉग हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं और मैं चेरी भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि वो यहां तक आए मुझसे मिलने के लिए आए और हम लोग सबको ज्योति को गोलू को पिंकी को हम लोग को सबको स्पेशल फील कराया तो चेरी भाई का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं इनको ये कहूँगा कि आप जा रहे हो धीरे धीरे गाड़ी चलाना आराम से जाना नाइट में राइड मत करना जहाँ भी रात हो जाए वहाँ पे लॉज लेके रूम लेके सो जाना रियली थैंक्स फॉर गिविंग सच अ पेशेंट मोमेंट एंड टुडे आई रियली हैड वेरी लॉट्स ऑफ फन एंड लॉट्स ऑफ बिग बिग कन्वर्सेशंस वाज गोइंग ऑन हियर आई रियली हैड वेरी फन
थैंक्स फॉर गिविंग सच अ प्रेजेंट मोमेंट्स। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक चेरी का चैनल फंक यामा अभी तक विजिट नहीं किया है तो चेरी का चैनल जरूर विजिट करें, फंक यामा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। और हमेशा तो वीडियो मैं एंड करता हूँ, आज मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब लग रही है, थोड़ा सा एनर्जी नहीं है मेरे में। अमरकंटक ट्रिप से आने के बाद खास के मेरा गला भी बैठ गया है, तो आज वीडियो एंड करेंगे हमारे फंक यामा भाई साहब चेरी जी। राइट सेफ, ऑलवेज वेयर हेलमेट, जय हिंद जय भारत।